तो आ गए आप लोग। तो यार आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा आप किस तरह गूगल एडपॉप का अकाउंट बना सकते हैं और वहां से एड यूनिट जनरेट कर सकते हैं। नहीं, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बताऊंगा आप किस तरह अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सच्ची जाके देख लो, लास्ट में ही बताइए ये बात। और ये हमारी ऐप डेवलपमेंट सीरीज की पहली वीडियो है। इसके बाद जो सारी वीडियोज आएंगी उसके अंदर मैं आपको छोटे मोटे एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो मैं अगली वीडियोज अपलोड करूँ तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेज दे, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको छोटे मोटे एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। टेंशन ना लो, एंड्रॉइड स्टूडियो पे नहीं सीखेंगे हम लोग, सीखेंगे थंकेबल पे, एपी बिल्डर और मेकड्रॉइड जैसे प्लेटफॉर्म पे। वहाँ एप्लीकेशन बनाना बहुत ईजी होता है। तो यार बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं तो आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग गूगल एडमोब के लिए एक नया ईमेल अकाउंट बना लें, उस पर आप सिर्फ अपना गूगल एडमोब चलाएं और कोई काम ना करें। तो सही है, हम जाएंगे गूगल क्रोम पे और जाके एक नया ईमेल अकाउंट बना लेंगे। तो वैसे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नीचे लिंक मिल जाएगी, वरना आप सिंपल सर्च कर लें क्रिएट गूगल अकाउंट। उसके बाद जो भी आपके पास पहला रिजल्ट आया उसको आप ओपन कर लें। और बहुत ही सिंपल है, आप अपना अकाउंट बना लें और सिर्फ इस ईमेल को उस काम के लिए यूज़ करें, एडमोब के लिए। इस पर कोई और काम ना करें तो अच्छी बात है। और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दें, यहाँ पे डिफरेंट फ़ोन नंबर डालिएगा। मतलब अगर आपने एक ईमेल अकाउंट बनाया हुआ है अपने एक नंबर से तो यहाँ पे दूसरा नंबर डालिएगा, सेम नंबर में डालिएगा। गूगल काफ़ी स्ट्रिक्ट हो रहा है इस बारे में। ओके, तो आपको अभी एक सेंड के बटन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। जो भी नंबर आपने वहाँ डाला होगा उस पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो सेंड के बटन पर क्लिक कर दें और उसके बाद उस नंबर पर वेरिफिकेशन कोड देख लें। ईमेल अकाउंट तो हमने बना लिया है, अब चलते हैं एडमोब के अकाउंट के लिए। उसके लिए जाके नया टैब ओपन करूंगा मैं और सर्च करूंगा एडमोब। जो भी आपके पास पहला रिजल्ट आए उसको ओपन कर लें, देन यहाँ से आप साइन अप कर लें एडमोब के लिए। मुझसे सिर्फ पासवर्ड पूछ रहा था, मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। देन इधर आपसे पूछेगा कि आपकी कौन सी जो है कंट्री है, आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। तो मैं पाकिस्तान इधर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लें, वरना पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, जहाँ भी आप रहते हैं वो जगह सेलेक्ट कर लें यहाँ से। उसके बाद आपसे टाइम जोन पूछेगा, तो मैं तो कराची की सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप अगर इंडिया में रहते हैं तो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से ही सिलेक्ट कर लें। उसके बाद बिलिंग करेंसी, तो यहाँ पर आपको US डॉलर ही सिलेक्ट करना है क्योंकि हमें डॉलर के अंदर ही अपनी पेमेंट चाहिए। देन आपको यहाँ टिक कर देना है आई हैव रीड एंड एग्री टू द एडमोब पॉलिसीज। उसके बाद क्रिएट एडमोब अकाउंट पे क्लिक कर दें। अब इधर आपके पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, आपसे कुछ पूछेगा जैसे कि आपको कस्टमाइजेशन की ये टिप्स दें और ना इस तरह के टिप्स के आपसे पूछेगा कि आपको ईमेल करें ना करें। तो मैं तो सब पे नो कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप पढ़ लें इसको फिर उसके बाद सिलेक्ट कर लें। इधर होम पेज पे चलते हैं हम। ये रहा हमारा होम पेज। आप जब कोई पहला ऐप यहाँ से लगाएंगे तो फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह। जब आप गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने आज तक कोई प्ले स्टोर में या फिर ऐप स्टोर में अपना ऐप पब्लिश किया है, तो नहीं किया होगा तो नो पे क्लिक कर दें। देन आप अपने ऐप का नाम यहाँ लिख दें, तो जो ऐप मैं बनाऊँगा मैं उसका नाम यहाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद कौन सा प्लेटफॉर्म है, वो iOS में या फिर एंड्रॉयड में, तो मैं एंड्रॉयड में बनाया मैंने। उसके बाद ऐड के बटन पर क्लिक कर दें। देन अब यहाँ से आपको पूछेगा, एक तो आई विल डू इट लेटर का ऑप्शन होगा और एक होगा क्रिएट एड यूनिट। अब एड यूनिट वही कोड होता है जो हमें चाहिए इस वक्त, ताकि हम उसको अपने ऐप के अंदर लगा सकें और फिर अर्निंग कर सकें। तो क्रिएट एड यूनिट पे क्लिक कर दें। अब इधर हमारे पास तीन तरह के होते हैं एडवर्टाइजमेंट्स। पहला बैनर एडवर्टाइजमेंट्स, जो बीच में आते हैं, छोटे हिस्से में आते हैं स्क्रीन के, इसलिए इसके पैसे भी कम होते हैं। और यह दूसरा इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट्स, ये फुल स्क्रीन पर आने वाली इमेज होती है, इसके अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं ये रिवॉर्डेड एड्स। ये आपने देखा होगा जब भी आप कोई गेम वेम खेलते होंगे तो उसके अंदर जो भी जेम्स मिलते हैं वो आपको यही वीडियो दिखा के मिलते हैं। बेसिकली एक वीडियो एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, कोई भी किसी गेम का या फिर ऐप का ये होता है एडवर्टाइजमेंट वीडियो वाला। तो सबसे ज़्यादा पैसे इसके मिलते हैं, फिर इसके, और फिर सबसे कम इसके मिलते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कौन सा कॉम्पैटिबल है आपके ऐप के साथ। तो मैं तीनों के एड यूनिट जनरेट करूँगा, पहले बैनर का कर लूँ सेलेक्ट पर क्लिक करके। देन यहाँ से आप अपने इस एड यूनिट को कोई नाम दे रहे हैं, तो मैं बैनर का नाम दे रहा हूँ।
उसके बाद क्रिएट एड यूनिट। अब इधर आपको दिख रहा होगा ये कोड, ये है हमारा एड यूनिट, इसको हम लगाएंगे अपने ऐप के अंदर और फिर एडवर्टाइजमेंट उस पर आएंगे। तो आपको इसको कॉपी कर लेना है या फिर आप डन पे क्लिक कर दें बस, और आप इसको यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, यहाँ क्लिक करके कॉपी एड यूनिट क्लिक करके, और ये कॉपी हो चुका है हमारा क्लिपबोर्ड पे। तो अगर अब आपको इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट और रिवॉर्डेड वीडियोस के एड यूनिट निकालना है तो आप इधर एड यूनिट पे क्लिक करें और इधर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट करने का। वैसे ये तो एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया किस तरह आप एड यूनिट जनरेट कर सकते हैं एडमॉब से और एडमॉब का अकाउंट बना सकते हैं। यह हमारी सीरीज का पार्ट वन है और इसके आगे इसके और बहुत सारे पार्ट्स आएंगे जिसके अंदर मैं आपको छोटे मोटे एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा, और ये मैं आपको एंड्रॉइड स्टूडियो पर नहीं सिखाऊंगा तो इसलिए टेंशन मत लें। ये हम थिंकेबल एपी बिल्डर और मेक ड्रॉइड के ऊपर बनाएंगे छोटे मोटे एप्लीकेशन, लेकिन इससे आपको ऐप बनाना आ जाएगा। बस आप टेंशन ना लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और जो वीडियोज़ आएँ वो आप देख सकें। वैसे अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, एक मिनट रुक जाएँ। जब आपने एड यूनिट्स जनरेट कर ही लिए हैं तो आप अर्निंग भी कर लेते हैं। अब मैं आपको दो बहुत ही ऑसम चीज़ों के बारे में बताता हूँ। एक वीडियो आपको अभी दिख रही होगी राइट हैंड पे, इस वीडियो के अंदर मैंने बताया आप किस तरह किसी की भी वेबसाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर, यानी किसी भी वेबसाइट का आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं और उस पर एडवर्टाइजमेंट लगा के अर्निंग कर सकते हैं। और ये लेफ्ट हैंड पे आपको वीडियो दिख रही है, इसके अंदर मैंने बताया आप किस तरह किसी भी बड़े यूट्यूब चैनल से अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कि हमारे टेक्निकल गुरु जी हो गए या फिर कोई भी बड़ा यूट्यूब चैनल जिस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आते हैं, आप उससे अर्निंग कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट लगा के। ये भी एक अच्छी ट्रिक है। तो यार आप अगर दोनों में से किसी भी इंटरेस्टेड हैं तो क्लिक कर दें बस, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आता ही रहता हूँ।